हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथ धोन। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो सीरीज मैंने चालू की है, इसके मैंने 5 वीडियो बनाए, आप वो देख सकते हो। एंड आज का जो टॉपिक है वो प्राइवेसी के ऊपर है। बिल्डिंग जब हम कोई प्लान करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है प्राइवेसी। तो इसके दो टाइप है, इंटरनल प्राइवेसी एंड एक्सटर्नल प्राइवेसी। तो ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मैं ऐसे नए नए क्रिएटिव वीडियोज़ बनाता हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब तक आपने एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, रूमिनेस, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, सैनिटेशन, एलिगेंस, ये सब प्रिंसिपल हमारे हो चुके हैं। आप चाहे तो लिंक में एट द एंड आप मैंने लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हम प्राइवेसी देख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। देखो, इसमें हम बहुत सारे एफर्ट लेते हैं, तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली लाइक करो, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्राइवेसी में आपको बताया कि देयर इज इंटरनल प्राइवेसी एंड एक्सटर्नल प्राइवेसी। तो सिंपल भाषा में देखेंगे, सपोज ये हॉल है, तो इसका डोर पोजिशन आपको कोने में रखना है एंड इट शुड ओपन लाइक दिस। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं तो डोर ऐसे ओपन होना चाहिए, तो मैक्सिमम एरिया दिखता है, तो ये एक्सपोज एरिया है हॉल में। लेकिन अगर बेडरूम रहेगा तो ये दरवाजा का पोजिशन ओपन यहाँ पे ऑपोजिट साइड होना चाहिए। बहुत बार ये लोग मिस्टेक करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर दरवाज़ा ऐसे ओपन होगा तो इतना ही एरिया एक्सपोज होगा, क्योंकि बेडरूम में क्या होता है, प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया, ये बेसिक। और एक है, मान लो आपको दो रूम यानी टॉयलेट बिठाना है, तो आप कैसे प्लान करोगे? तो मैंने तीन ऑप्शन मेरे पास है, ऑप्शन 1, 2, 3। तो बहुत बार लोग क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे बेडरूम 1, यहाँ पे बेडरूम 2 एंड यहाँ पे टॉयलेट ऐड करेंगे। लेकिन इसको सपोज बेडरूम वाला बंदा है, उसको टॉयलेट जाने तो कैसे जाएगा? सपोज आपने यहाँ पे डोर प्रोवाइड किया, फिर यहाँ पे डोर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो ये क्या करेगा, इसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करेगा। सो दिस प्लान इज़ रॉन्ग। सपोज आप बोलोगे कि यहाँ पे एक बेडरूम अटैच करेंगे, बेडरूम 1, यहाँ पे बेडरूम 2 एंड यहाँ पे हम टॉयलेट अटैच करेंगे एंड ये पैसेज रहेगा। तो इन दिस केस क्या होगा कि आपका रूम का साइज कम होगा। यहाँ पे डोर रहेगा, ये रूम का बंदा यहाँ से डायरेक्ट टॉयलेट जा सकता है, यहाँ पे भी डोर रहेगा, ये जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका साइज़ आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि आपका पैसेज में आपका जगह लॉस हो जाएगा। देन देर इज़ वन मोर ऑप्शन, आप क्या करो, दोनों साइड बेडरूम प्रोवाइड करो। सो दिस इज़ बेडरूम 1, बेडरूम 2 एंड इन बिटवीन आप यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक अटैच कर सकते हैं एंड ये छोटा सा पैसेज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉर्नर पे आप डोर ओपन करोगे, यहाँ पे डोर आएगा एंड ये पैसेज से आप डायरेक्टली यहाँ पे टॉयलेट में आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। तो लाइक दिस वे आपको प्राइवेसी मेंटेन करना होता है। मतलब इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो, मतलब इकोनॉमिकल होना ही चाहिए एंड प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग प्लानिंग, ठीक है। एंड एक्सटर्नल प्राइवेसी क्या होता है, सपोज ये आपका घर का प्लान है, आपका यहाँ पे कोई तो स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो आपको साइड में ऐसे पेड़ पौधे, छोटे छोटे ट्रीज वगैरह लगाने चाहिए, क्योंकि सपोज यहाँ पे रोड है तो कोई बंदा इसे देख नहीं सकता। ऑल्सो सपोज यहाँ पे आपका कोई तो रूम है, या यहाँ पे जो विंडो रहेगा ये थोड़ा सा इलेवेट ऊपर होना चाहिए, कोई भी ऐसे देखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्डिंग प्लान करते समय पता होनी चाहिए। कुछ रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।